if you want to be fluent in English, if you want to enhance your capability to understand the English, then definitely you have to know about the modal verb. So what is the modal verb and how it will be work or in a sentence, these all things I will be discuss in this video. नमस्कार, मैं हूँ रीता. आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलिए हम लोग यहाँ पर पहले ये जानते हैं कि मॉडल वर्ब होती क्या है. मॉडल वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया के तौर से भी जानते हैं. जो किसी भी वाक्य की अगर फॉर्मेशंस हम लोग जब करते हैं तो उस फॉर्मेशंस में मॉडल वर्ब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के थ्रू स्पीकर, बोलने वाला क्या बोलना चाहता है या लिखने वाला क्या लिख रहा है, इस उनके भाव मीन्स उनकी फीलिंग्स को हम लोगों को बताता है. मॉडल वर्ब के इस्तेमाल से लोग बताना चाहते हैं कि वो कितने कैपेबल है काम करने में, वो आपको सजेशन दे रहे हैं या नहीं. आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से रिक्वेस्ट करिएगा, रिक्वेस्ट करने के वक्त में आप किस तरह का मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये इन सारे चीजों का जो आंसर है वो मॉडल वर्ब के थ्रू ही दिया जाता है. तो मॉडल वर्ब जानना जरूरी है. चलिए वीडियो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ. तो पहला जो मॉडल वर्ब है वो है कैन, टू एक्सप्रेस द कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू डू द वर्क. कैन का इस्तेमाल जो है उसकी कैपेबिलिटी, उसके सामर्थ्य और उसका कितना पावर है इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है. तो पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है एबिलिटी. आई कैन लिफ्ट 60 kg. अब देखिए यहाँ पर कैपेबिलिटी बता रही है, क्योंकि आई कैन लिफ्ट द 60 kg मतलब मैं 60 kg जो है उठा सकती हूँ. तो यहाँ पर 60 kg जब मैं वजन उठा सकती हूँ तो ये मेरी क्षमता को बता रही है. दूसरा जो है आई कैन पास द MBA examinations. मैं MBA examination जो है वो पास कर सकती हूँ. तो यहाँ पर क्या बता रही है, यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी को बता रही है ना. तीसरा जो है आई कैन ग्रांट यू लीव, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ. तो यहाँ पर उसके पावर को बता रहा है कि मेरी क्षमता है कि मैं तुम्हें छुट्टी दूँ या ना दूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर मैं तुम्हें छुट्टी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर उसकी क्षमता को बताया जा रहा है. टू शो द पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पर किसी चीज की संभावना हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में भी कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. जैसे हम लोग बोल सकते हैं सी कैन क्रॉस द रोड, वह रास्ता क्रॉस कर सकती है. तो वो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किए. टू टेक और गिव परमिशन, आप किसी से परमिशन लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को परमिशन देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ समझते हैं. कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो भी हम लोग यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उससे परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ. दूसरा जो है यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने स्कूटर को पार्क कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए कैन का जो यूजेस है वो दोनों ही सिचुएशंस में किया जा सकता. अब जब हम लोग यहाँ पर कैन का इस्तेमाल सीखे हैं तो हम लोगों को कैन नॉट का भी इस्तेमाल सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी है. कैन नॉट जो है वो नेगेटिव सेंस को बताता है, मतलब नहीं, ना, ये सब शब्द जब आएंगी तो हम लोग यहाँ पर कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दे कैन नॉट क्लाइम द माउंटेन, वह माउंटेन नहीं चढ़ सकता. सी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बात कर सकती. ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता. तो यहाँ पर तीनों ही नेगेटिव सेंस में बताया गया है कि वह यह काम नहीं कर सकता. कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है. तो कुड हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं. टू एक्सप्रेस द एबिलिटी और टैलेंट इन द पास्ट मतलब बीते समय में आप में क्या खासियत थी और आप में क्या टैलेंट था, उसके बारे में भी आप बात जब करेंगे तो कुड का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं. दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ, वे पिछले महीने गेम को जीत सकते थे. तो यहाँ पर भी एबिलिटी को बताया. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, वह बहुत अच्छे तरीके से गाना गा सकती थी.
तो यहाँ पर अच्छी तरीके से गाना गा सकती थी बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, आप किसी से पोलाइटली वे में कुछ मदद मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुड आई हैव योर पेन, क्या मुझे आपकी कलम मिल सकती है। कुड आई राइड ऑन योर बाइक, क्या मैं आपके बाइक पे चढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी बाइक पे चढ़ सकता हूँ, क्या मुझे आपकी पेन मिल सकती है। कुड का इस्तेमाल जब सीखे हैं तो हम लोग यहाँ पर कुड नॉट का भी इस्तेमाल सीखेंगे। कुड नॉट का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंस में ही करते हैं। कुड यू नॉट स्मोक आउटसाइड द हाउस, क्या आप घर के बाहर धूम्रपान नहीं कर सकते। शी कुडंट कुक डिलीशियस फूड, वह स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती। तो यहाँ पर हम लोग कैन, कुड, कैन नॉट और कुड नॉट, या हम लोग बोल सकते हैं कुडेंट का इस्तेमाल हम लोग सीखे। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।